हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चैत्र नवरात्र 2021 कब से कब तक, कलश स्थापना मुहूर्त, रामनवमी तिथि, भूलकर भी ना करें ये एक काम। चैत्र मास हिंदू नववर्ष का प्रथम मास माना जाता है। इस माह में पड़ने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि कहलाती है। पूरे साल में यूं तो चार बार नवरात्र आते हैं, जिनमें से दो गुप्त और दो प्रचलित नवरात्रि होती हैं। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्र के नाम से जानी जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक देवी माँ के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज हम आपको साल 2021 में चैत्र नवरात्रि कब से कब तक होंगे, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्र शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल प्रातःकाल 8 बजे। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल प्रातःकाल 10:16 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 5:58 से लेकर 10:14 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 11:56 से 12:47 तक। नवमी तिथि 21 अप्रैल बुधवार के दिन पड़ रही है। वहीं नवरात्रि पारण और दशमी तिथि 22 अप्रैल गुरुवार को होगी। चैत्र नवरात्र कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद 9 दिनों की पूजा व व्रत का संकल्प लेकर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोलें। अब उसमें जल से भरा कलश रखकर कलश में सिक्का, धूप, सुपारी और चावल डालकर रोली से उस पर स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध कर उसे मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दें और कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद माँ के समक्ष धूप दीप जलाकर समस्त देवी देवताओं व देवी माँ का आह्वान कर विधिवत माता शैल पुत्री का पूजन करें। नवरात्रि नियम। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर व पूजा स्थल में शुद्धता और सात्विकता का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। नवरात्र के 9 दिनों में बाल काटना, नाखून काटना या फिर दाढ़ी मूछ बनवाने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो भी लोग घर में अखंड दीप व माता की चौकी का आयोजन करते हैं, उन्हें घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। देवी दुर्गा की भक्ति के 9 दिनों तक प्याज, लहसुन या अन्य तरह की तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि द्वार पर आए भिक्षु या गरीब को अपनी जरूरत और श्रद्धा के अनुसार भोजन या फिर कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर्व के दौरान जहाँ तक संभव हो तो चमड़े और चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में विधिवत की गई माता रानी की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।